आउस रहीम कुरान मजीद में कुल एक सौ चौदह सूरते हैं और एक सौ चौदहों के अंदर सबसे सख्त तरीन अजाब या जहन्नम की सबसे सख्त तरीक्रिप्शन अगर किसी सूरत में दी गई है तो एक सौ चार नंबर सूरत सूरत हुमजा है जहन्नम का अजाब सुनते ही आम तौर पर आ जाता है कि हो सकता है शिर के ऊपर हो बदकारी के ऊपर हो चोरी के ऊपर हो सूद के ऊपर हो लेकिन हाल ये कि इस सूरत में ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं बल्कि उन दो बातों का जिक्र है जो आम तौर पर आज आजकल हमारे माशरे में स्वीट डिश तरह की जाती है और वो है वहीुल्ले कुल्ले हमजुम तबाही बर्बादी हलाकत है हर हमस और लुमस करने वाले के लिए हमस और लुमस के कराम ने मुख्त माना लिखे हैं वो लिखते हैं है। नंबर एक ये किसी के पीछे, उसके उसकी वो फलाना वो क्या नालक है वो क्या निकम्मा है वो क्या सिफारिशी है उसको तो बात करने और कपड़े पहने का ढंग संगी नहीं आता दूसरा माना लिखा है की लोगों का पर्दा न रखना लोगों का पर्दा चाक करना अगर किसी का कोई सीक्रेट कोई राजको मालूम हो जाए फॉरन पब्लिकली सबक बता फलाने की बात पता लगी है उसकी मंगनी टूट गई है उसका तो चक्कर चल रहा है फलाने के साथ वो तो एग्जाम में फेल हो गया है और नंबर तीन ये कि दूसरों की इज्जत और उसकी साख को नुकसान पहुंचाना अगर किसी महफिल में किसी की तारीफ हो रही है और फौन से उस शख्स की कोई ऐसी महफिल के अंदर खराब हो जाए यानी अगर लोगों के दिलों में इस इंसान के लिए मोहब्बत हो इज्जत हो तो सिर्फ हजरत की बुनियाद पर लोग मेरी तारीफ क्यूँ नहीं करे मेरे बच्चों की तारीफ क्यूँ नहीं करे इस इंसान की मुखालत शुरू कर देना और झूठी सच्ची लगाकर लोगों के दिल इससे बुरे कर देना अला मालूसी रहमत लिखते है की जिस वक्त ये तीन काम होंगे तो इसका रिजल्ट वो चौथा काम निकलेगा और चौथा काम क्या है अलकसर यानी तोड़ना इन तीनों कामों का नतीजा ये निकलेगा कि फिर बाजाज रिश्तेदारी टूट जाएगी जब आप एक इंसान की हर वक्त ऐप बयान करेंगे उसकी किसी बुराई पर पर्दा नहीं रखेंगे लोगों के सामने हर वक्त तो उसका इंप्रेशन खराब करेंगे तो उसका खुद ब खुद रिजल्ट ये निकलेगा कि वो इंसान आपसे उठना बैठना छोड़ देगा और इसका सारा गुना आपके ऊपर आएगा चुनाचा वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में इरशाद फरमाया मुसल अहमद के अंदर हदीस शरीफ है अल्लाह की मखलूक में सबसे बद तरीन इंसान कौन है अल्माउन बिन नमीमा जो लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां बयान करते हैं उनकी चुगरिया करते हैं वल बैन और आपस में मोहब्बत करने वालों के दरमियान नफरतें पैदा करते हैं उनके दिलों को बुरा करते हैं दूसरे से बुराइयां कर 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 वल अल और बेगुनाह और मासूम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिन्ना कोई कसूर नहीं होता फजूल में उनकी तरफ इस किस्म की नस्बते करते हैं जो काम उन्होंने नहीं किए होते और एक रिवायत में तो यहाँ तक आया शुरु वजूल अल्लाह तेहर को कुत्ते की तरह बना देगा के दिन। और दूसरा इस आयत में तो रू बने देना तो कुछ आता ही नहीं है तुमसे तो कोई खैर की तो नहीं कभी कोई काम तुमने ढंग का किया है नंबर दो ये की उसको लोगो के सामने जलील करना और नंबर तीन ये की उसका महफिल में मजाक उड़ाना मुंह से इशारों से उस पर टॉट करना उसके शिकल सूरत का मजाक उड़ाना उसके कपड़ों का लिबास का मजाक उड़ाना सुल्ला ने इस किस्म के लोगों के बारे में फरमाया कि बे मेराज के मौके पर मुझे एक कौम दिखाई गयी अफ्फार उनके नाखुन नोकीले तानबे के बने हुए थे यख मशून वजुआ हूँ सुधूर हूँ और वो अपने नाखनों से अपना मुँह भी खरेद रहे थे और अपने सीने को भी नोच रहे थे मैंने पूछा की ये कौन लोग है जो इतनी तकलीफ में मुझे बताया गया ये आपकी कौम के वो लोग है जो लोगो के पीठ पीछे उनके ऐप बयान करते थे और ये कायन एराज अहिम और ये लोगों की इज्जत और आबरू ऐसी खेला करते थे और जब हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली गैदरिंग होती है और व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया पर जो फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स बने होते हैं वहां पर दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है एक दूसरे को जलील किया जाता है और हम क्या कहते हैं हम तो शुगर लगा रहे हैं हम तो किट लगा रहे हैं लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम किस तरीके से एक इंसान का दिल दुखा रहे हैं उसकी दिल इजारी कर रहे हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसको जलील कर रहे हैं महफिल में और जानते हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका अंजाम क्या होगा ऐसे लोगों के बारे में ने फरमाया इन लोगों को जहन्नम की एक वादी में डाला जाएगा जिस वादी नाम वैल है ऐसे लोगों को इस वादी में लाटाला डालेगा और इमाम लिखते हैं यहाँ जो जिक्र हुआ है वैल का ये वैल बेसिकली क्या है ये बदवाइया कलिमात है और ये किसकी तरफ से है जब आप किसी इंसान की इज्जत साख को नुकसान पहुंचाते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं जो दिल आजारी होती है और वो जो दिल से बदवा निकलती है यहाँ उसका जिक्र है दूसरा माना वो लिखते हैं आप ये काम लें ले कि अल्लाह ताला ताला कि किस्म के काम करता है तो ऐसे इंसान को क्या दुनिया मिलने वाला है और क्या आखिरत में मिलने वाला है और अब यहाँ इस नफसियात को भी समझ लीजिए कि ये काम करते कौन लोग हैं तो शायद में आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्लाजी जमा सुबाल वो लोग जो माल जमा कर कर के रखते हैं और समझते हैं कि इनका माल बाकी रहेगा यानी क्या माना हुआ माना यह हुआ कि वो लोग जो आपके फ्रेंड्स फैमिली सर्कल के अंदर आपके मुकाबले में स्टेटस में ज्यादा हैं तालीम में ज्यादा हैं माल और दौलत में ज्यादा हैं उनका बैकग्राउंड ज्यादा मजबूत है तो फिर ऐसे लोग खुद ब खुद अपने आपको सुपीरियर समझते हैं जब ये सुपीरियर समझते हैं तो फिर ये आपको हकीर समझते हैं और आपको जलील करते हैं आपका मजाक उड़ाते हैं और माजरत के साथ इन लोगों से ज्यादा कसूर उन लोगों का है जो लोग इनके अंदर घुसे बैठे रहते हैं हर वक्त जो इनको हर चीज में अपना बड़ा बनाते हैं जब ये लोग इनको बड़ा बनाते हैं तो उनको मौका मिलता है कि इस किस्म के काम करते हैं और इमाम राजी रमत इन पॉलिसी और चापड़ूस किस्म के लोगों के बारे में लिखते हैं कि जिस वक्त इन अमीर लोगों से ये उठ कर जाते हैं तो ये अमीर लोग इनके पीछे भी हंसते हैं और यही इनकी सजा के लिए काफी है और याद रखें की दुनिया में सजा है लेकिन आखिरत में इनको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितना की मजाक उड़ाने वाले अमीर लोगों को सजा मिलेगी और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जुबान के शर से बचाए और अब तक जो भी ज्यादा हमसे हुई अल्लाह ताला ते माफ़ फरमाए और हमें सच्ची तोबा करने की तोहफी कता फरमाए सबसे दो दरख्वास्त हैं एक दो नफर पढ़े और अल्लाह ताला से माफी मांगे दूसरा इन हदीस को ज्यादा से आगे पहुंचाएं ताकि आपका भी सदा जारी बने हमारा भी जजाक खैर